मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों को भी चेतावनी दी जो विकास के मार्ग में रोड़ा बनते हैं, और कहा कि उनका हाल भी माफियाओं जैसा होगा। सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज सनातन धर्म पर कुठाराघात करने का कार्य कर रहे हैं। सनातन धर्म के बैरियर को भी, सनातन धर्म के मार्ग के बैरियर भी हटाने हैं। देश भर में दिवाली की धूम मची है, लोग तरह तरह की लाइट से अपने घरों और सोसाइटी को सजाने में लगे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दिवाली है। 500 सालों से जिसका इंतजार था वो पूरा हो रहा है। वहीं इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन विरोधियों को जमकर लताड़ लगाई। अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नया अंदाज देखा गया। सीएम योगी ने पहली बार ऐसा बयान दिया जिसकी काफी चर्चा होने लगी। योगी ने दार्शनिक अंदाज में सनातन धर्म और संघर्ष को लेकर बड़ा बयान दे दिया। सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज सनातन धर्म पर कुठाराघात करके न केवल सनातन धर्म और भारत की आत्मा को लौलुहान करने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसके नाम पर भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को लोग बढ़ाना चाहते हैं। सनातन धर्म के बैरियर को भी, सनातन धर्म के मार्ग के बैरियर भी हटाने हैं। अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को निशाने पर लिया। उन्होंने नाम लिए बिना काका और चाचाओं की जमात कहकर सपा नेताओं पर तंज कसा। योगी ने कहा कि चाचा और काकाओं की जमात को भी मालूम है कि देश और समाज के लिए उनके जो कृत्य हैं वो कहीं भी किसी के लिए वर्तमान और न भविष्य के लिए अच्छे होंगे। उन्होंने कहा कि जो ताकतें भारत को कमजोर करना चाहती हैं वो वही काम कर रही हैं जो रावण ने किया था। आज भी राजनीति के लिए सेम बने हुए कुछ लोगों के पितरों को राजनीति के नाम पर चाचा और काकाओं की इस जमात को भी मालूम है कि देश और समाज के लिए उनके जो कृत्य हैं वह कहीं भी किसी के लिए न वर्तमान पीढ़ी के लिए न भविष्य की पीढ़ी के लिए ही उचित होंगे। सीएम योगी ने कहा कि सनातन दुनिया का सबसे महानतम धर्म है जो जियो और जीने दो पर भरोसा करता है। ये सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला धर्म है। इस पर जब कोई प्रहार करेगा तो स्वाभाविक रूप से स्वयं के ही विनाश का मार्ग प्रशस्त करेगा। योगी ने कहा जो ताकतें भारत को कमजोर करना चाहती हैं, वो भारत को बांटने का काम वैसे ही कर रही हैं जैसे रावण और उसके अनुयायियों ने किया था। नाम का अंतर है, कोई जाति के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, कोई परिवार के नाम पर समाज को बांट रहा है। उसके माध्यम से राष्ट्रीय अखंडता और एकता को चुनौती दी जा रही है। इस दौरान सीएम ने भारी गले से अयोध्या वासियों से बहुत कुछ कहा। याद रखना, ये माँ सीता की अग्नि परीक्षा बार बार, ये बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा, अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा। इसके लिए अयोध्या वासियों को एक बार फिर से आगे आना होगा। सीएम योगी ने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। ये डबल इंजन की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। अकेले अयोध्या धाम के विकास के लिए, जिस अयोध्या में 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी, यहां की सड़कों की स्थिति, यहां के घाटों की स्थिति, यहां के मठ और मंदिरों की स्थिति, और जिन लोगों ने राम को ही उपेक्षित कर दिया था और जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा किए थे, वे केवल भगवान राम के ही अस्तित्व पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे थे, वे सनातन धर्म के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे।
आपको बता दें, योगी का ये दार्शनिक अंदाज काफी दिनों के बाद देखा गया, जो अक्सर कम देखने को मिलता है। इस बार बटोगे तो कटोगे से आगे उन्होंने सनातनियों को संघर्ष का रास्ता अख्तियार करने की सलाह दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे एलएसी की, जहां दोनों देशों की सीमाओं पर सेना के जवान पीछे हट चुके हैं और आज दिवाली के मौके पर मिठाई का आदान प्रदान भी होने वाला है। हालांकि कमांडर की बात होगी कि पेट्रोलिंग किस तरीके से अब आगे बढ़ानी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि आज दोनों देशों के जो सैनिक हैं, जो सेनाओं पर रहते हैं, उनके बीच में दिवाली के अवसर पर मिठाइयों का आदान प्रदान भी होना है। तो भारत चीन बॉर्डर से सैनिकों के हटने का काम भी अब पूरा हो चुका है। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे को आपस में मिठाइयाँ खिलाएंगे और दीपावली का त्यौहार भी मनाएंगे। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सैनिकों के साथ ही आज मौजूद रहने वाले हैं दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए। और दीपावली के त्यौहार पर किस तरीके से दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो भारत चीन बॉर्डर पर सीमाओं पर जो सेना के जवान थे वो पीछे हट चुके हैं और मिठाई भी खिलाएंगे, मिठाइयों का आदान प्रदान भी करेंगे। हालांकि ये बातचीत होती रहेगी कि आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से पेट्रोलिंग करनी है और आगे बढ़ना है, ताकि दोनों ही देशों के बीच अब विवादास्पद वाली स्थिति जो है, विवाद वाली जो स्थिति है वो ना बने। अब बात पटाखों की भी कर लेते हैं। दिवाली आई है तो पटाखे जलेंगे और पटाखों को लेकर के कुछ लोगों को बुरा लगना भी शुरू हो गया है। आतिशबाजी को लेकर के मौलाना तौकीर रजा तक ने बयान दे दिया है, उनकी तरफ से भी ज्ञान दिया जा रहा है। लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है कि जब हिंदू त्यौहार आते हैं तभी इस तरीके का ज्ञान क्यों आता है और तभी इस तरीके से पटाखों पर बैन की बात क्यों की जाती है। साधु संतों ने भी बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं इस तरीके की राजनीति पर। दिवाली आई नहीं, पटाखे जले नहीं, उससे पहले ही पटाखा विरोधी गैंग एक्टिव हो गया। हर किसी को प्रदूषण दिखने लगा, दिखना भी चाहिए, समाधान भी होना चाहिए। लेकिन सिर्फ दिवाली पर ही क्यों याद आता है, पहले क्यों नहीं? क्या हिंदुओं के त्योहार से ही सबको दिक्कत है? तभी तो मौलाना ने अजीब तकरीर कर दी तो बाबा बागेश्वर ने लताड़ लगा दी। आतिशबाजी खुशी के इजहार के लिए अगर छोड़नी है तो इसलिए छोड़िए कि खुशी का इजहार हो जाए। खुशी का इजहार आप दीपोत्सव करके कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोशनी कीजिए। ऐसे में आग लगाना ज्यादा जरूरी है क्या? हिंदुओं का त्योहार आता है तो इनके ज्ञान तुरंत आने लगते हैं कि होली को जो है पानी खराब होता है, दीपावली को प्रदूषण होता है। अरे भाई, 1 जनवरी को भी तो बहुत से पटाखे जलाए जाते हैं, तब नहीं होता है, तब फिर इनका ज्ञान चला गया। ये दोहरा दोगलापन, हिंदुओं के त्योहारों पर लगातार कमेंटबाजी अब नहीं चलेगी। हमने तो सुतली बम खरीद लिया है और ये मूर्खानंद ज्यादा करेंगे तो इन्हीं के दरवाजे पे फोड़। दीपोत्सव के इस महापर्व, जो भारतीय संस्कृति का एक महान पर्व है, कोई एक रिलीजन का पर्व नहीं है, लेकिन कुछ जिहादी एलिमेंट को सूट नहीं कर रहा, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को वो आंखों में चुभ रहा है, तो कहीं उस पर सरकार बैन लगाती है तो कहीं जिहादी बैन लगा देते हैं। आखिरकार कब तक चलेगा? पटाखों पर पंगा सिर्फ मौलाना नहीं कर रहे बल्कि केजरीवाल भी वही दलीलें दे रही हैं। दिल्ली में पटाखा बैन करने वाली आप सरकार और बीजेपी में सियासी जंग की शुरुआत हो गई है। हमें पटाखे नहीं, हमें दिए जलाने चाहिए। ये लाइट्स का त्यौहार है, ये दिए जला के, मोमबत्ती जला के हम अपना त्यौहार मनाएं, ना कि पटाखे जलाएं। पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। आम आदमी पार्टी का ये बैन उस समय कहाँ चला गया था जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से छूटे और पूरी दिल्ली के अंदर पटाखे जलाए गए। जानबूझ करके हमारे सनातन के जो त्यौहार हैं उनकी खुशी हम पूरी तरीके से व्यक्त ना कर सके, इसके लिए पटाखे बैन किए जाए। इनका नियति है कि बच्चे दिल्ली के फुलझड़ी जलाने को तरस जाएं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को दिवाली भी नहीं मनाने दिया है, ये याद रखिएगा। अगली दिवाली मनेगी, भारतीय जनता पार्टी ऐसी व्यवस्था करेगी। मामला हिंदू मुस्लिम का हो या ना हो, लेकिन पटाखों पर पॉलिटिक्स हर साल की बात है। लेकिन विपक्ष इसे बीजेपी के साजिश बता रहा है, लेकिन इस बार तो कांग्रेस ने अपने ही गैंग का साथ छोड़ दिया है। पटाखे के प्रदूषण से ज्यादा पॉलिटिकल खरदूषणों से समस्या है समाज को। कभी कहेंगे कि साहब होली में रंग मत खेलो, फिर कभी कहेंगे जी आप जो है वो दिवाली में पटाखे मत बजाओ। हम सभी त्योहारों को बड़े ही
आपातदारी के साथ, भाईचारे के साथ, सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाते हैं। लेकिन अफसोस है, भारतीय जनता पार्टी के लोग त्योहार का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। पटाखे नहीं चलाएंगे तो दीपावली ही सुनी हो जाएगी। भाई पटाखे तो चलाएंगे, पटाखे चलाने से रोकने के बाद विवाद बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। कांग्रेस ने यूजल लेकर क्या आप और सपा को आईना दिखा दिया, या फिर वोट बैंक की मजबूरी में बहस कुछ नेता ही अपना राग अलाप रहे हैं। असल में हिंदू विरोधी गैंग एक्टिव ही है, लेकिन ईद न्यू ईयर से दिक्कत नहीं तो होली और दिवाली पर दिक्कत क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी के साथ